इस क्वेश्चन में कुछ लोग को डाउट हो सकता है, क्वेश्चन देखते हैं। इफ वाई इक्वल टू रूट एक्स प्लस वन बाई रूट एक्स देन प्रूव दैट, ये क्वेश्चन दिया है आपको, प्रूव करना है। देखिए इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड में आपको किसका वैल्यू पुट करना है, देख लो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू पुट करना है और वाई का वैल्यू पुट करना है। वाई का वैल्यू तो क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको, तो डी वाई बाई डी एक्स आपको पुट करना पड़ेगा ना, है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू पुट करने के लिए उसका वैल्यू तो आपको पता करना पड़ेगा पहले। तो डी वाई बाई डी एक्स पता करते हैं पहले। तो वाई इक्वल टू क्या दिया है देखो, रूट एक्स, रूट एक्स दैट मीन्स एक्स पावर वन बाई टू प्लस वन बाई रूट एक्स, तो एक्स पावर हाफ है, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स पावर माइनस हाफ हो जाएगा, ठीक। अच्छा अब इसका डिफरेंशिएशन लेते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स करूँगा, तो डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन होगा, है ना, एक्स पावर हाफ और क्या आ जाएगा, एक्स पावर ये माइनस हाफ होगा। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, हाफ एक्स पावर हाफ माइनस वन होगा, ठीक है। फिर प्लस इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस हाफ एक्स पावर माइनस हाफ माइनस वन, यही होगा। अच्छा फिर इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, वन बाई टू एक्स पावर, ये हाफ माइनस वन करोगे तो माइनस वन बाई टू आएगा, फिर ये माइनस वन बाई टू हो जाएगा और एक्स पावर माइनस थ्री बाई टू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ से हाफ कॉमन आ रहे हैं, वन बाई टू बाहर आया, तो एक्स पावर ये माइनस वन बाई टू बचा, है ना, माइनस वन बाई टू और माइनस एक्स पावर कितना बचा यहाँ पर, माइनस थ्री बाई टू। ये जो किसका वैल्यू आ गया है, ये वैल्यू आ गया है डी वाई बाई डी एक्स, इसका वैल्यू आया है डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब जो है आपको dy वाई बाई डी एक्स का वैल्यू मिल चुका है, y का वैल्यू मिल चुका है, इस इक्वेशन को ले लेते हैं हम लोग, इसको अब इसको मिटा देता हूँ यहाँ पर जो है, ठीक है, इसी में सॉल्व कर देता हूँ। तो इस इक्वेशन में देखिए, ये वाले इक्वेशन में टेकिंग LHS लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ मैं, तो 2x dy वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या है, dy वाई बाई डी एक्स का वैल्यू है 1 बाई टू, फिर है x पावर माइनस 1 बाई टू माइनस एक्स पावर माइनस थ्री बाई टू, यही है ना, ये हो गया। अच्छा फिर क्या है, प्लस वाई है, तो ये प्लस वाई, वाई का वैल्यू क्या है देखो, एक्स पावर हाफ एक्स पावर माइनस हाफ है, तो एक्स पावर क्या हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा और प्लस एक्स पावर माइनस हाफ हो गया, ठीक है। फिर ये माइनस टू रूट एक्स है, तो माइनस टू रूट एक्स का वैल्यू क्या होता है, एक्स पावर हाफ होता है ना, रूट एक्स मतलब एक्स पावर हाफ हो गया। ये टू और टू क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पर कट गया, यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब क्या है, एक्स पावर वन है, तो जब ये सॉल्व करोगे तो एक्स पावर क्या है यहाँ पर, वन और माइनस हाफ, तो वन माइनस हाफ हो जाएगा, फार्मूला आपको पता है ना, एक्स पावर वन होगा इंटू एक्स पावर क्या हो जाएगा, माइनस वन बाई टू होगा, ऐसे ये वाला जो है। फिर जब बेस सेम होता है तो पावर एट हो जाता है, तो एक्स पावर वन माइनस हाफ होगा, ऐसे जो है, ठीक है। तो इसी पे मेथड से कर दे रहा हूँ मैं इसको जो है, तो एक्स पावर क्या हो जाएगा, वन माइनस हाफ हो जाएगा, और ये तो माइनस एक्स पावर यहाँ पर क्या है बताओ आपका, यहाँ पर है वन, वहाँ पर क्या है, ये थ्री बाई टू है, फिर यहाँ पर क्या बचेगा, ये एक्स पावर हाफ, एक्स पावर हाफ वाला जो है, यहाँ पर एक्स पावर हाफ, यहाँ पर एक्स पावर हाफ, ये माइनस टू टाइम्स है, वन टाइम्स है, तो इन दोनों को सॉल्व करोगे इन दोनों को, तो कितना बचेगा यहाँ पर है, वन एक ही बार बचेगा, ठीक है। हाँ तो ये वाला पहले लिख दे रहा हूँ, तो ये एक्स पावर क्या है, ये माइनस हाफ है, और इन दोनों को सॉल्व करोगे तो कितना बचेगा, माइनस एक्स पावर हाफ बचेगा, ठीक है। एक बार एक्स पावर हाफ है, दो बार एक्स पावर हाफ है, तो ये घटेगा ना, तो माइनस एक बार बचेगा एक्स पावर हाफ। अब इसी को देखोगे आगे जो है, तो कितना बचेगा, एक्स पावर ये क्या हो जाएगा, वन बाई टू हो जाएगा, माइनस एक्स पावर ये क्या बचेगा, वन माइनस वन बाई टू करोगे तो माइनस वन बाई टू होगा, फिर प्लस एक्स पावर ये माइनस वन बाई टू और ये माइनस एक्स पावर वन बाई टू, ठीक है। तो ये वाला टर्म सेम है, प्लस माइनस कट गया, ये वाला टर्म सेम है, प्लस माइनस कट गया, सब चीज़ कट गया, तो इक्वल टू क्या हो गया, जीरो आ गया। तो यही तो क्या था आपका, आर चीज़ था, तो ये प्रूफ हो गया, एंड प्रूव्ड। क्वेश्चन समझ आया आप लोग को, ठीक है।